तो इवनिंग का टाइम है, मैं बच्चों को लेके वॉक करने आ गई थी बाहर और मास्क है साथ में। अभी हमें सुनना बिना मास्क के कहीं नहीं आती, बच्चों को भी लगवा रखा है। अभी यहाँ पे कोई है नहीं तो अभी नहीं लगा रखा, थोड़ा सा एरिया आएगा ना जहाँ पे कोई होगा तो वहाँ लगा लूँगी। तो घर में पड़े पड़े पूरे दिन बोर हो जाते हैं और ऐसे गाड़ी में तो घूमते रहते हैं कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन जो वॉक करने का मज़ा है वो अलग ही होता है। तो मैंने सोचा चलो वॉक करते हैं, आज चलते हैं, थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करते हैं। मैं तो काफ़ी चल लेती हूँ और हस्बैंड भी वॉक पे गया, मैं छोड़ के आगे आगे चले गए। रुके नहीं हमारे लिए कि मुझे जॉगिंग करनी होती है, तुम तो धीरे धीरे आओगे। हाँ तो अभी देखो वो ज़्यादा दूर तक जाते हैं, हम लोग इतना चल नहीं पाते, बच्चे थक जाते हैं और मैं भी थक जाती हूँ, फिर मैं जल्दी वापस आ जाती हूँ। तो शायद आते हुए मिलेंगे आपको हमें, हम लोग राउंड लगा रहे हैं। तो और हमारे यहाँ पे देखो काफ़ी जंगल सा है, ग्रीनरी काफ़ी है हमारी कॉलोनी में। और ये बैक साइड रोड है जहाँ पे मैं घूम रही हूँ, ये रोड अभी बनी है नहीं, तो इस पर काफ़ी ट्रैफिक है, तो हम लोग उधर नहीं जा रहे, हम लोग इधर ही वॉक कर रहे हैं। भैया क्या नाम है इस जोगी का, तो तुम बात करोगे इससे? बात ही नहीं करनी, चल बाय का दोस्त। लगता है बारिश आएगी है ना, अब तो रोज ही बारिश आ रही है और बहुत सुंदर दिख रहे हैं। लेकिन चलो तो दोस्तों देखिए कितनी ग्रीनरी यार, कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है, क्योंकि आजकल ना रोज़ रोज़ बारिश आ रही है तो बहुत क्लीन लगता है सब कुछ देखने में। और यहाँ पे ही रोड बनी है ना, नहीं पहले यहाँ पूरा गार्डन था दूर तक, मतलब इससे पहले अगर मैं आपको इधर का अपनी कॉलोनी के पीछे का व्यू दिखाती तो आपको और मज़ा आता, बहुत सुंदर, बहुत फ्लावर्स लगे हुए थे एक्चुअली यहाँ पे, छोटे छोटे गार्डन बनाए हुए थे लोगों ने, उनमें झूले पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा चलो इधर वॉक करती हूँ, मैंने कभी आपको आसपास का एरिया दिखाया भी नहीं है। सक्षम श्रीजा मेरे साथ में है, सक्षम बहुत हैप्पी है, बच्चों को इस तरह घूमना काफ़ी अच्छा लगता है। पसीने निकल गए ना आज? नहीं मैं अच्छा लगा वॉक करके, इसकी वजह से आगे गए, फिर ये साइकिल लेके गए तो फिर इसके नाटक हो गए, फिर हमें उस जगह से मुड़ के आना पड़ा, हम आगे तक चले गए। फिर अब इसकी साइकिल कभी ले जाएंगे? मजा आता है, पसीने निकल जाते हैं बिल्कुल, बच्चे बैठे इधर और मैं आके थोड़ा सा लेट गई, मैं तो आते ही लेट जाती हूँ, मेरी बैटरी लो हो गई। सक्षम का टीवी चल जाते आते हैं ना, सक्षम वॉक करके अच्छा लगा, कल भी जाओगे? इसकी वजह से ही तो बहुत सारी वो खराब हुई थी। नहीं नहीं बहुत अच्छी हो गई, कि तो साइकिल चलाई इसने पूरा रास्ता, मुझे तो कुछ करना नहीं पड़ा, बहुत प्यारा है। प्यारा तो है सक्षम है ना, छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं, समझ तो होती नहीं है ना। तो अभी हस्बैंड भी आ गए हैं वॉक करके, वो काफ़ी आगे जाते हैं वॉक करने के लिए इसलिए वो जल्दी चले जाते हैं, और हम उनको ढूंढ रहे थे वो हमें कहीं मिले नहीं। तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था, कहीं नहीं दिखे हमें ये बच्चे, ढूंढ रहे थे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, उसके बाद मैंने शूट नहीं किया अभी, एक चलिए आपके साथ रेसिपी शूट कर लेते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे सारी सब्जियाँ जितनी भी अवेलेबल थी मेरे पास वो सब चॉप कर ली हैं। इसमें मैंने प्याज लिया है, हरी धनिया लिया है और शिमला मिर्च लिया है, गाजर लिया है, एक आलू कट किया है, टमाटर मैंने डाला नहीं, टमाटर मैं कम डालती हूँ और टमाटर के बिना भी टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने सरसों का तेल डाल दिया है कढ़ाई में बनाऊँगी मैं, स्टील की कढ़ाई में बना रही हूँ, आप कोई सी में बना सकते हो जिसमें आप कुक करते हो। और इसमें राई दाना डालूँगी, छोटी सी क्लिप मेरी इसमें से डिलीट हो गई उसके लिए सॉरी, बस मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल को पकाया और करी पत्ता डाला और राई दाना डाला, वो वाली क्लिप शूट नहीं हो पाई, थोड़ा सा मेरे फ़ोन में मेमोरी फुल हो गया था उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया था। तो मैंने यहाँ पे मैं पता है जब तेल को थोड़ा कच्चापन निकालने के लिए पकाती हूँ ना, उसमें हल्का सा प्याज डाल देती हूँ कटा हुआ, तो वो प्याज थोड़ा उसमें जल सा जाता है, भुन सा जाता है, तो वो कच्चापन निकल जाता है,
उससे वो जो झल सी होती है ऑयल की स्मेल सी वो निकल जाती है। मतलब मेरी ट्रिक है ये, आप भी हो सकता है करते हो। तो मैंने इसमें रायदाना तड़का लिया था ढक के, और इसके बाद में मैंने प्याज डाला और करी पत्ता डाला। तो दोस्तों बहुत से लोगों की ये भ्रम होता है कि आप ज़्यादा ऑयल में ही टेस्टी खाना बना सकते हो, कम ऑयल में टेस्टी खाना नहीं बनता। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये सोच, क्योंकि मेरे घर में बहुत लेस ऑयल में खाना बनता है और बहुत स्वाद बनता है, सबको पसंद आता है मेरे हाथ का खाना। और बस एक हैंकी मुझे ज़रूर चाहिए होता है कुकिंग करते हुए, जिससे कि मैं साथ में क्लीन करती रहती हूँ ना चीज़ों में जो गिरती रहती हैं अपने गैस पे। और बस प्याज को फ्राई करूँगी, बहुत कम ऑयल मैंने डाला है आपने देखा है, और जो लोग मेरे को रेगुलर देखते हैं वो बहुत लेस ऑयल देखते ही हैं मेरी कढ़ाई में। और आई थिंक कि ऑयल को तो हम अपने खाने से थोड़ा सा कम कर ही सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए, क्योंकि आजकल लोगों के बहुत हेल्थ इशू हो गए हैं। कल एक बहुत कमेंट आ रहा है कई दिन से मेरे पास कि आपका डाइट चार्ट क्या है हस्बैंड का और मेरा, तो आने वाले समय में ज़रूर शेयर करूँगी मैं आपके साथ में। आपने थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को ये आइडिया दिया, उससे बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी कि किडनी डोनेट के बाद डोनर और जो ट्रांसप्लांट पेशेंट होता है उनको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। ओके, मैं ज़रूर करूँगी। उसके बाद में ये लेमन भी लिया था मैंने, लेमन को मैं बाद में डालूँगी। जितनी भी सब्ज़ियाँ सारी मैं अभी डाल दूँगी दोस्तों, बस ये जो हरा धनिया है इसको अभी नहीं डालूँगी, इसको बाद में डालूँगी। इन सबको फ्राई कर लूँगी अच्छे से और इसको ढक के पका लूँगी। इस टाइम पे चाहे तो आप थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हो, जल्दी गल जाती हैं सब्ज़ियाँ। और इसी टाइम पे मैं थोड़े से मसाले इनमें मिक्स कर दूँगी। तो एक दो क्लिप्स आज मेरी थोड़ी सी बीच बीच में छूट गई हैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आज मुझे घर के ऊपर की क्लीनिंग करानी है, और जो मेरे यहाँ पे क्लीनिंग करती है ना उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो उनका बेटा आता है सफाई करने के लिए, वो छोटा बच्चा है, वो मैं आपको बताऊँ 15 ईयर्स का आई थिंक होगा, 15-16, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मुझे उसके साथ में थोड़ा सा लगना पड़ता है, और ये जो पीछे झाड़ू लगा रही है, श्रीजा लगा रही है किचन में, तो हमें ये था कि संडे का दिन है शायद वो आएगा नहीं, तो हम लोग मिलके क्लीनिंग करते हैं। तो मैंने इसमें हल्दी डाल दिया था, मैं आपको कही थी ना एक दो क्लिप्स शूट नहीं हो पाई, हल्दी और नमक डाला था और धनिया पाउडर डाला था, तो बस वही डाल के मैंने इसको पकाया। थोड़ा सा चेक कर लूँगी क्योंकि मैंने ऑयल बहुत कम डाला है, तो बीच बीच में मुझे चेक करना पड़ेगा बार बार, नहीं करूँगी तो सब्ज़ियाँ जल जाएंगी। तो बार बार चेक करती रहूँगी कि कैसा हो रहा है, गला है कि नहीं गला, तो सब्जी को अच्छे से गला लेंगे पहले, तो पोहा मिक्स करेंगे। तो आज मैं बता रही थी ना कि थोड़ा सा संडे है और जब वो नहीं आया क्लीनिंग के लिए थोड़ा गड़बड़ शड़बड़ हो गई, तो आज मैं जल्दी जल्दी मूंगफली दाना भी फ्राई करना भूल गई, तो दूसरे उसमें मूंगफली दाने फ्राई हो रहा है, इसमें मैं पोहा मिला दूंगी। लेकिन पोहा आज का काफ़ी स्वाद बना था, काफ़ी टेस्टी बना है। मैंने ये नोटिस किया कि आप जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स के साथ में पोहा वगैरह बनाते हो ना उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। हाँ, वो बात अलग है कि आपके बच्चे चुपके चुपके उनको निकाल देते हैं और हमें जल्दी जल्दी उनको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है बहाने बना के। तो श्रीजा सक्षम भी यही करते हैं, काफ़ी निकालते रहते हैं चुपके चुपके, लेकिन मैं उनको खिलाने की कोशिश करती हूँ। पोहा मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, मूंगफली दाना इसमें फ्राई करके थोड़ी देर बाद में डालूंगी। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि उनको पोहा अच्छा नहीं लगता क्योंकि पोहा बहुत ड्राई लगता है उनको। तो देखिए, इस प्रॉब्लम का एक ही सलूशन है, जब आप पोहे को फ्राई कर लो ना उसके बाद से, जैसे देखिए मेरा पोहा बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है इस टाइम पर, तो इस टाइम पर आप पानी के छींटे मार दो इसमें, एक मुट्ठी भर के ना पानी के छींटे मार दो ऊपर से, और इसको थोड़ी देर के लिए ढक दो। एक आंटी बनाती थी ऐसे, तो उनका पोहा बहुत नरम बहुत सॉफ्ट बनता था, मुँह में डालते ही इतना टेस्ट आता था मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने आंटी से पूछा था एक बार कि ऐसे आपका कैसे लगता है, तो उन्होंने मुझे ट्रिक बताई थी कि बेटे इसमें पानी का छींटा मार देते हैं। तब मेरी शादी हुई थी, तो मैं बहुत फॉलो करती हूँ, देखो किसी की अगर अच्छी चीज़ें मुझे मिलती हैं तो मैं हिसार में रहती थी उस टाइम पर। तो मैंने बस इसमें पानी का छींटा मार दिया, मेरा पोहा लगभग रेडी है, बस इसमें धनिया पत्ता डालना है और इस पर मूँगफली दाना डाल लेना है। तो अभी मैं थोड़ी देर इसको थोड़ा सा स्टीम दे दूँगी जिससे कि ये अच्छा सा हो जाए बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। देखिए कितना अच्छा बन गया मेरा पोहा, और बस मूंगफली दाना डाल लिया इस पर, कुछ हरे पत्ते डाल लूँगी धनिए के, वो काट के रख लिया था, तो बहुत स्वाद लगता है। मतलब मुझे तो हरा धनिया वगैरह डाल के खाना बहुत टेस्टी लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि खाने का टेस्ट डबल हो गया और ब्यूटी भी बढ़ जाती है ना, जो चीज़ें देखने में सुंदर होती है वो खाने में भी टेस्टी लगती हैं थोड़ा, मतलब खाना अट्रैक्ट करता है ना लोगों को, तो वो खाने में मज़ा आता है। देखो भाप उठ रही है, गरम गरम खाना तैयार है, नाश्ता आप लोग भी आ जाइए साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं आज। तो नाश्ते को आज अभी ऐसे कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हो रहा, मैं आपको बताऊँ ऐसे 9:15 बज रहे होंगे लगभग, संडे है तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो 8:30 तक लगभग हमारा नाश्ता प्रिपेयर हो जाता है। आज संडे है, बच्चे थोड़ा लेट उठे, फिर हमें ये लगा कि मतलब जो क्लीनिंग करता है वो नहीं आएगा, तो थोड़ा सा हमने भी सफाई की तरफ ध्यान दिया, लेकिन वो आ गया। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना कढ़ाई में पोहा, टेस्टी टेस्टी, थोड़ा सा चला लेती हूँ। और मेरे यहाँ पे जब भी खाना बनता है, मैं आपको बताऊँ हमेशा अधिकतर ये होता है कि पहली प्लेट ना श्रीजा की लगती है, श्रीजा
को ही मिलता है। मैं अपने घर पे थी, मुझे याद है मम्मी जब भी खाना बन जाता था, पापा तो दुकान पे होते थे, हमारी शॉप है, तो अभी तो पापा तो है नहीं, लेकिन पापा की शॉप पे अब तो लड़का बैठता है जो काम करता था पहले, तो पापा लेट आते थे तो मम्मी सबसे पहले खाना बना के मुझे दे देती है। और श्रीजा को लेमन के साथ में खाना पसंद है तो उसके लिए लेमन रख दिया। हस्बैंड को मैं लेमन नहीं देती हूँ अपने, लेमन उनको मना नहीं है बट मैं देती नहीं, वो ज़्यादा खाते नहीं, मतलब आदत होगी। मैं आपको बताऊं, इधर चाय बन रही है, और मैं आपको बताऊं पहले उनको इच्छा होती थी कि ये खाऊं वो खाऊं, लेकिन जब से उनका वो परहेज वाली वो चीज़ हट गई है ना, तो उनको ठीक लगता है जो मिल जाता है वो खा लेते हैं। इसके पास बहुत सारा ज्यादा लग रहा था, निकाल लिया सारा, पूरा घर गंदा हो रहा था, तो आज छत की क्लीनिंग हो रही है, बहुत गंदा हो रहा था पूरा घर। और ये बच्चा छोटा है, इसकी मम्मी बीमार हैं, तो इसकी मम्मी मेरे घर पे क्लीनिंग करने के लिए आती थी, लेकिन मैंने इसको हटाया नहीं। देखो बच्चा काम कर रहा है, आप ये मत सोचना, लेकिन अगर हम इनको काम से हटा देंगे तो इनका काम ख़राब हो जाएगा। इसकी मम्मी की दवाई चल रही है, वो कैसे मैनेज करेगी, क्योंकि मुझे पता है जो इंसान काम करके मेहनत से पैसे कमाता है और बीमार हो जाता है उसका क्या हाल होता है। वही तो हम लोगों के साथ में हुआ था ना, मैं अपना टाइम कैसे भूल जाऊँ, क्योंकि हमने मेहनत से ही किया है सब कुछ यार, इस चीज़ से जो हम निकले अपनी मेहनत से ही निकले हैं। तो मैं समझती हूँ मेहनत करने वाले लोगों को मैं हमेशा बढ़ावा देती हूँ, जो लोग गेट पे भी आके बिना बात के मांगते हैं ना, मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ यार कुछ काम करो, मेहनत करो, कुछ काम करो, उसका पैसा मिले तो तुम्हें मज़ा भी आए। पता है अपनी मेहनत की कमाई की अलग ही बात होती है। तो ये बच्चा जब आता है सफाई करने में, मैं इसकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ, उसके साथ लग जाती हूँ, तो ये कर लेता है फिर आराम से, क्योंकि अकेला ये भी परेशान हो जाता है, मैं इसको थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है। तो बस ये थोड़ा सा कर रहा है, मैं क्लीनिंग कर रहा है, मैं इसको बोल रही थी पाइप लगा ले, लेकिन इसने कहा नहीं आंटी मुझे ऐसे ही करना है, बाहर से पोछे का कपड़ा दे जाओ। थोड़ा नीचे से कुछ सामान मंगाना था, कुछ वो श्रीजा ला रही है, मैंने कहा बार बार चक्कर मत काटो तुम, फिसल के कभी सीढ़ी में गिर जाओ, तुम भी छोटे हो। आई थिंक ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ऐसे होगा 16 ईयर्स का होगा, 15-16। तो मेरा ये वाला मॉप है, तो इससे इस नीचे पोछा लगा रहा है आजकल। ये मैं आपको बताऊँ, मेरे को ऐसा भी नहीं है कि तू बैठ के लगा बेटा, अभी ऊपर की रहती हूँ इसी से लगा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपके साथ में कभी शेयर नहीं किया, बट ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पे पूरा खाली पड़ा रहता है, यहाँ में रहती भी नहीं हूँ, नीचे रहती हूँ, तो अभी यहाँ की क्लीनिंग हो रही है, थोड़ा थोड़ा अपने आप को भी लगना पड़ता है, और ये बच्चा छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, तो मैं भी इसकी हेल्प कर रही हूँ, दोनों मिल के कर रहे हैं, और बस वाइपर लगवा दूंगी ऊपर सूखा पोछा लग जाए, यहाँ से डस्ट नीचे जाती है, फिर नीचे का घर भी गंदा हो जाता है। बस थोड़ा सा मैं लग जाऊंगी, थोड़ा सा ये तो घर के ऊपर वाले एरिया की क्लीनिंग हो गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखो काम मेरे से भी नहीं होता, और वो भी छोटा है, उससे इतना नहीं होता, मुझे इतना ज़्यादा उसको परेशान करना अच्छा भी नहीं लगता सच बताऊँ, तो वो कर देता है, मैं उससे कुछ बोलती हूँ बेटा ये कर दे, बहुत प्यार से मेरा काम करता है ये, क्योंकि मैं बहुत प्यार से उससे करवाती हूँ, तो बहुत प्यार से मेरा काम कर देता है बच्चा ये। तो पूरा ये रूम क्लीन हो गया, घर का ऊपर वाला हिस्सा है ये, और कभी कभी सोचती हूँ कि इसको शूट के लिए बना लूँ इस रूम के लिए को, लेकिन थोड़ा सा ना यार थोड़ा हार्ट टाइट है मेरा, तो थोड़ा सा मैनेज करूँगी धीरे धीरे सोच रही हूँ। और ये वाला कमरा बस मैं इस तरह से सुखा दूँगी इसको पोछा लगा लगा के। तो घर के ऊपर वाले एरिया की तो क्लीनिंग हो गई, अब नीचे की है, नीचे पोछा लगा रहा है, यहाँ पे कुछ ऊपर से मिट्टी आ गई थी वो मैं झाड़ू से सारी इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दूँगी, क्योंकि फिर अभी इसने झाड़ू लगाई थी फिर से इसको लगानी पड़ेगी। और देखो ये मेहनत कर रहा था आज, मैंने इसको पैसे भी दिए, मैं आपको बताऊँ आज मैंने इसको बोला था बेटा स्पेशली कि छत की क्लीनिंग करोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूँगी, तुम्हारी हेल्प हो जाएगी, फिर उससे अपना कुछ ले लेना है ना जो तुम्हें अच्छा लगेगा।
तो वो कह रहा ठीक है आंटी, तो इसने इसलिए मेरे छत की क्लीनिंग की घर की, नहीं तो ये सिर्फ नीचे की क्लीनिंग करता है। और मेरे ख्याल से देखो जो लोग मेहनत करते हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि पता है आप देखो हमारे घर के बाहर कोई मांगने वाला आ जाता है, वो कहता है कुछ दे दो, उसे कभी हम 10 रुपये दे देते हैं, कुछ ऐसे ही दे देते हैं, और बेचारे जो हमारे घर में काम करते हैं उनको हम कोई हेल्प नहीं करते। तो ये सोच बहुत ही गलत होती है, मैं बहुत हम्बल रहती हूँ इसलिए, क्योंकि ये जैसे भी हैं हम लोगों के काम आते हैं, कभी कभी कर देते हैं ये बदतमीज़ी, लेकिन अधिकतर काम आते हैं ना हमारी दुख सुख में। और इनसे प्यार से बात करो तो बिल्कुल लुट जाते हैं आपके लिए, बिल्कुल सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। आज तक मुझे कभी याद नहीं कि मेरे घर से कोई ऐसे गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेहनत करने वाला इंसान पीछे रहे और मांग के खाने वाला आगे निकल जाए। ठीक है, तो डस्टबिन में कूड़ा वूड़ा सा जो था वो डाल के मैं बाहर रख दूँगी, कचरे वाला आएगा वो ले जाएगा। और आज सच में पूरा ब्लॉग बन रहा है मेरा, ये पूरा क्लीनिंग व्लीनिंग सब शूट हो गई। तो श्रीजा सक्षम अभी नहाए नहीं, नहाएंगे, श्रीजा को कुछ ऊपर से सामान मंगाया था तो मैंने कहा तू ले आ भैया, अभी छोटा ये थक जाएगा। इधर कुछ कपड़े पड़े हुए हैं प्रेस करने हैं, तो अभी हम लोग नहाए नहीं हैं, संडे हैं, क्योंकि आज ये जो क्लीनिंग हो रही है इस क्लीनिंग के लिए मैं कई दिन से सोच रही थी कि घर में ये क्लीनिंग हो जाए, घर थोड़ा अच्छे से मैनेज हो जाए, तो आज फाइनली हो गया। देखो आज नीचे का इतने अच्छे से नहीं किया, ऊपर का अच्छे से किया, तो कल से नीचे का घर सेट हो जाएगा। और तो निशा बर्तन